नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। सवारी कैसे आती है और सवारी कैसे प्राप्त होती है, ये जानिए। कई ऐसे साधक हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं कि हमें ये बताइए कि सवारी का आना कैसे होता है और सवारी जब आ जाती है तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति कैसे ले सकता है। देखिए, सवारी देवता की एक तरंग होती है और हमें इसे अपने शरीर के तपोबल के अनुसार ढालना होता है, या ये कह सकते हैं कि सवारी ये देख लेती है कि आखिर इस मनुष्य के शरीर में कितना सामर्थ्य है। देवता अपनी शक्ति का एक अंश हमें दे जाते हैं। इसके अलावा सवारी को बुलाया भी जाता है, और मैं आपको बता दूं कि सवारी दो भोग के अनुसार चलती है, जिसमें सात्विक भोग आता है, तामसिक भोग आता है, इन दोनों ही आधार पर सवारी चलती है। अब आपको ये देखना है कि आखिर आप किस देवता को बुलाते हैं। जिस देवता को आप बुलाते हैं वो बहुत खास हो जाता है कि आखिर आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर है। हर जगह ऐसी ही सवारी आती है। आपने देखा होगा कि सवारी कई भक्तों को तेज रूप में आती है और एक शांत रूप में सवारी आती है। तो यहां पर यह होता है खास कि आखिर हम कौन से देवता को बुला रहे हैं। पहले तेज रूप की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शांत रूप की भी जानकारी दूंगा। जिन भक्तों को तेज सवारी आती है या झूम के सवारी आती है, या ऐसा लगता है कि एक परमाणु शक्ति इंसान के अंदर आ गई है, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बात है कि जब मैं एक जगह गया था, ऐसा मैं जानता हूं, उस वक्त वो महिला को सवारी आई थी, उस भक्त को जोरदार झटका लगा था, उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, उनके शरीर में तरंगे दौड़ने लगी थी, उनको ऐसा लग रहा था कि गर्मी लग रही, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। संभालने के लिए कई लोग भी वहां पर आए, लेकिन उनको पसंद नहीं, उस वक्त उस भक्त को पसंद नहीं होता कि कोई उसे छुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो देव सवारियां आती हैं वो अपने लिए अपने पहले उसके देवगण आके देख के जाते हैं कि यहां पर क्या व्यवस्था है, और आपने मतलब आप भक्त हैं, आपने किस देव को चुना है अपने लिए, उग्र रूप में चुना है, शांत रूप में चुना है। यदि आपने उग्र रूप में किसी देव को चुना है तो मानकर चलिए कि वो काफी तेज रहेंगे, जैसे कि काली माता हो गई, भैरव हो गए, जो कि तेज रहते हैं, भयानक रहते हैं। भयानक से मेरा मतलब यह है कि उनका जो स्वरूप है वो काफी तेज रहता है, उनके भय का इतना एहसास होता है कि जब चौकी लगती है तो देव सवारी जब आती है तो वो आपके सारे सवालों के जवाब जरूर दे देगी, लेकिन आपको भी डर लगेगा उनसे सवाल पूछने में। जिस वक्त ऐसी उग्र और देव सवारी भक्त को आती है, उस दौरान उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। भक्त के शरीर में तेज ऊर्जा का एहसास होता है, कंपन का एहसास होता है, जो जबान होती है वो लड़खड़ा जाती है, सही शब्द नहीं निकलते क्योंकि वेग इतना तेज रहता है। कई बार भक्त अपनी कमीज उतारने लगता है गर्मी के चलते, गर्मी की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उसकी आंखें जो सफेद है वो लाल हो जाती हैं। कई बार तो उनके हाथों की नसें दिखने लगती हैं, साफ साफ नसें दिखने लगती हैं, रक्त का प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि उस भक्त को समझ नहीं आता, क्योंकि उस वक्त उस भक्त में उस देव सवारी का एक अंश है। उस भक्त ने अपने लिए देव ही ऐसा चुना है जो कि बहुत तीव्र रहते हैं, और ऐसे देव जब आते हैं तो मानकर चलिए कि जबरदस्त ऊर्जा रहती है। इसके अलावा दूसरी सवारी होती है जो कि बेहद शांत तरीके से आती है, और जब वो सवारी आती है तो उस भक्त के शरीर में ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। देखिए, असर तो होता है क्योंकि देव सवारी है जब वो आएगी, लेकिन वो शांत सवारी रहती है। देव को उस भक्त ने चुना है अपने लिए। मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए एक ऐसे देव आए जो कि बेहद शांत हो, जो उग्र ना हो। अलग अलग देव को मनाना पड़ता है, उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, श्रद्धा भाव रखना पड़ता है, उनकी साधना करना पड़ता है, तभी जाकर वो आते हैं, और ये इतना आसान नहीं होता है। किसी भी सवारी को बुलाने के लिए, किसी भी देव को खुश करने के लिए इतनी असीम श्रद्धा और भक्ति चाहिए कि वो देव देखे कि हाँ वाकई में ये चाह रहा है भक्त कि मैं इसके पास आऊं। और सबसे बेहतर ये माना गया है कि यदि आपको सवारी लेनी है तो उसके लिए आपका गुरु का होना बहुत जरूरी है। देखिए, सवारी कैसे ले सकते हैं। गुरु सवारी से वचन ले लेते हैं कि जब भी आपको ये भक्त बुलाएगा आपको आना पड़ेगा, और ऐसा कभी नहीं होता कि भक्त बुलाए और वो सवारी नहीं आए। देखिए, इसके पीछे कारण क्या रहते हैं। जो गुरु रहते हैं वो वाकई में गुरु इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके पास तमाम शक्तियां रहती हैं। अगर भक्त किसी गलत राह पर भी जा रहा है तो जो देव सवारी के अंश रहते हैं वो उस भक्त को सही रास्ते पर ले जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई बार ये भक्त कई ऐसे दावा करते हैं कि हम ये काम कर देंगे, हम वो काम कर देंगे,
लेकिन यदि वो काम गलत होते हैं तो वो देव सवारी खुद उन्हें बताती है कि सुन, ये काम गलत कर रहा है, सुधर जा, सही रास्ते पर आ। और यदि यही गलत काम चलता रहता है तो वो देव सवारी उस भक्त को सही कर देती है। गुरु से संपर्क किया जाता है, गुरु को पता चलता है कि जो शक्ति दी गई है उसका गलत तरीके से उपयोग करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद गुरु के द्वारा वो सवारी से बातचीत की जाती है, संपर्क किया जाता है। इसका खामियाजा उस भगत को भुगतना पड़ता है, उस भक्त को, क्योंकि वो चौकी जब लगाता है तो कोशिश यही रहती है कि सारे लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनकी समस्याएं दूर करें, लेकिन यदि आप गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये माना जा सकता है कि दिक्कतें आपको होंगी। अब रही बात देव सवारी की, तो देव सवारी का आना ना आना ये इस बात पर तय करता है कि आपको वो सवारी दी किसने है। क्या देव सवारी को गुरु ने आपको देव सवारी दी है, या वो देव सवारी को हासिल आपने अपने प्रयत्नों से किया है। सवारी बुलाने के लिए गुरु बनाकर यदि वो गुरु आपको सवारी देता है तो फायदा होगा, लेकिन यदि आपने अपनी श्रद्धा से उसे हासिल किया है तो इस बात की कोई लिखित गारंटी नहीं होती है कि वो सवारी आएगी या नहीं आएगी। ये उसके उसके मन पर निर्भर करता है, उसके भाव पर निर्भर करता है। तो सबसे खास यही है कि यदि आप सवारी लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो एक ऐसे योग्य गुरु को आप चुनिए, और उसके बाद योग्य गुरु से आप प्रार्थना करिए कि मैं चाहता हूं कि मुझ में सवारी आए। असीम श्रद्धा जरूर रखिए, आप ये बात ध्यान रखिए कि मैं अपने अंदर असीम श्रद्धा रखता हूं। जिस भी देव को आप चाहते हैं, आप गुरु के समक्ष जाइए, गुरु को बताइए कि हे गुरुदेव, मैं चाह रहा हूं कि ये जो देव हैं ये मेरे अंदर आए, इनके जो गण हैं वो आए, उसके बाद सवारी के रूप में आए। लेकिन इसके लिए आपको सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखनी पड़ेगी, तभी वो देव सवारी आती है। और ये बात याद रखिए कि देव सवारी के आने के पहले उस सवारी के गण आते हैं, वो देखकर जाते हैं कि जो हमारे देव हैं वो क्या वाकई में यहाँ पर आने लायक है नहीं है। इसके अलावा उस साधक को ये भी ध्यान रखना होगा कि सवारी यदि मैं बुला रहा हूं तो मेरा जप उतना होना चाहिए, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जब देव सवारी का एक छोटा सा अंश मेरे अंदर आएगा तो मैं क्या उसको संभाल पाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं, उसको संभाल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आपका जाप, आपका जो सामर्थ्य है वो कैसे बढ़ेगा, जो आपकी शक्ति है वो कैसे बढ़ेगी। आपकी शक्ति बढ़ेगी लगातार पूजा करने से, साधना करने से। आप अपने लिए वक्त तय करिए, सुबह का वक्त तय करिए, शाम का वक्त तय करिए, एक भी दिन नाका मत करिए, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ आपने संकल्प लिया है, सवारी लेने से पहले संकल्प लेना पड़ता है, और संकल्प आपको उस देव को बताना होगा कि मैं आपको आखिर क्यों बुलाना चाह रहा हूं, तो इस बात की जानकारी आपको संकल्प के माध्यम से देनी होगी। और संकल्प जब आप देंगे उसके बाद यह माना जाएगा कि हाँ, अब आपको ऐसे समीकरण बनेंगे और देव अब आपको देखेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति वाकई मुझे चाह रहा है सवारी के रूप में, तो मुझे बुलाने का उद्देश्य क्या है। पहले उस उद्देश्य को हमें साफ करना होगा, और उसी के बाद वो देव सवारी आएगी। लेकिन देव सवारी पहले गुरु से उससे संपर्क करेंगे, और उसके बाद वो देव सवारी आपके पास आएगी। तो प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन आपको श्रद्धा जरूर रखनी होगी, धीरे धीरे आपको अपने अंदर सामर्थ्य बढ़ाना होगा। जब आप अपना सामर्थ्य बढ़ाएंगे तभी जाकर यह माना जा सकता है कि जो सवारी है वो आएगी। और यदि सवारी लेना है तो सबसे बेहतर सवारी लेने का तरीका है, अपने गुरु से संपर्क करिए, गुरु ही आपको सच्ची और सही सवारी देंगे और उचित मार्गदर्शन करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। यदि कोई सवाल जवाब है तो उसका भी हम जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। जय श्री राम।